हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मंगलवार रोज पूरे हम लोग दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं फेलो ट्रेवलर बाय एजी गार्डिनर। यस्टरडे आई टोल्ड यू इन द लेसन दैट द राइटर एजी गार्डिनर फ्लिक्ड द मॉस्किटो ऑफ फ्रॉम हिमसेल्फ टू टाइम्स but again it came and disturbed in his repose. In this way the writer got angry and decided to kill the mosquito. But before to kill the mosquito, the writer tells him his counts, his crimes, उसके अपराध बताता है, उसके दोष बताता है कि what he had done, उसने क्या किया। And at last he decides to kill the mosquito. So, but before to kill the mosquito, लेकिन उस mosquito को मारने से पहले writer क्या कहता है, उसको क्या बताता है? तो कहता है, lesson में आगे हम लोग देखते हैं, कहता है the counts against you are many. The writer tells the mosquito before to kill him, उसको मारने से पहले, हाँ तो कहता है the counts against you are many. जो अपराध तुम्हारे खिलाफ है, अभियोग है जो तुम्हारे खिलाफ, वो क्या है? आर मेनी, बहुत सारे हैं। हाँ तो कहता है द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, मीन्स जो अपराध तुम्हारे खिलाफ है, जो दोष है तुम्हारे खिलाफ, जो गिल्ट्स हैं, जो क्राइम्स हैं, जो फॉल्स हैं तुम्हारे खिलाफ, आर मेनी, बहुत सारे हैं। तो कुछ बताता है कि व्हाट आर द काउंट्स अगेंस्ट यू, अपराध तुम्हारे खिलाफ कौन कौन से हैं, तो बता रहा हूँ आपको कुछ। पहला कहता है यू आर अ वैग्रेंट, वैग्रेंट का मतलब होमलेस, द पर्सन हु हैज नो हिज ओन होम, व्यक्ति का जिसे कोई अपना घर ना हो, निजी घर ना हो, वैग्रेंट उसको बोलते हैं, होमलेस कहा जाता है। उसके लिए एक वर्ड का हम प्रयोग करते हैं मेगामान, या तो होमलेस भी कह सकते हैं। वन हु हैज नो होम, ओन होम, अपना घर ना हो तो उसको हम वैग्रेंट बोलते हैं, घुमक्कड़, आवारा, बेघर भी कहते हैं उसको। हाँ तो कहता है, तो पहले काउंट्स को उसको बताता है मस्किटो के, और कहता है यू आर अ वैग्रेंट, तुम बेघर हो, यू हैव नो ओन योर ओन होम, तुम्हारा अपना कोई घर नहीं है। यू आर अ पब्लिक न्यूजांस, पब्लिक न्यूजांस मतलब यू आर द काज ऑफ टू पब्लिक डिस्टर्बेंस, तो लोगों की परेशानी का कारण हो, पब्लिक नहीं जा सकता, लोगों की परेशानी का कारण, कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ ट्रबल फॉर द पीपल, है ना। तो कहता है कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ ट्रबल फॉर पीपल, लोगों के लिए लगातार परेशानी का कारण तुम हो। हाँ तो कहता है यू आर अ पब्लिक नुइजांस, तुम लोगों को कष्ट देने वाले हो, लोगों के कष्ट का कारण हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, तीसरी चीज बता रहा है राइटर मस्किटो को मारने से पहले उसको, तो कहता है यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, मीन्स तुम बिना किसी टिकट की यात्रा कर रहे हो। आई हैव अ टिकट टू ट्रेवल इन इट, बट यू हैव नो टिकट, तुम्हारे पास कोई टिकट नहीं। मेरे पास तो टिकट है इस डिब्बे में यात्रा करने के लिए, बट यू हैव नो टिकट, हाँ यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट। फिर कहता है यू हैव नो मिट कूपन, तुम्हारे पास कोई कूपन भी नहीं। मिट कूपन का मतलब एक तरीके से राशन कार्ड से, जैसे तो व्यक्ति राशन लेने जाता है तो कार्ड की जरूरत पड़ती है राशन कार्ड की, तो उसको राशन मिलता है। दैट मीन्स व्हेन यू सक द ब्लड ऑफ द पीपल फॉर इट यू हैव नो मिट कूपन, लोगों को तुम डिस्टर्ब जो करते हो, उनके ब्लड को सक करते, चूसते हो, उस ब्लड को सक करने के लिए भी दैट मीन्स यू हैव नो मिट कूपन, तुम्हारे पास कोई कूपन नहीं है, कोई राशन कार्ड नहीं है। फिर कहता है फॉर दीज, इन सभी चीज़ों के लिए एंड मेनी अदर मिसडेमेनर, बहुत सारे इलीगल वर्क्स के लिए, अनैतिक कार्यों के लिए, गैर कानूनी काम के लिए यू आर अबाउट टू डाई, अब तुम मरने वाले हो। राइटर इस तरीके से कहता है फॉर दीज, इन सभी चीज़ों के लिए जो मैंने बताया, एंड मेनी अदर मिसडेमेनर्स मीन्स बहुत सारे गलत कार्यों के लिए, इलीगल वर्क्स, अनैतिक कार्यों के लिए यू आर अबाउट टू डाई, अब तुम मरने वाले हो। और इतना कह करके राइटर क्या करता है, आई स्टक अ स्विफ्ट, तेजी से मारा, स्विफ्ट मतलब तेज, मैंने तेज कैसे लीथल ब्लो
तेज प्रहार किससे, विथ माय राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से, दाहिने हाथ से मैंने तेज प्रहार किया है ना, नीदल ब्लो, तेज प्रहार किससे, विथ माय राइट हैंड, इस तरीके से मारता है मॉस्किटो को। लेकिन जैसे ही मॉस्किटो को अपने दाहिने हाथ से मारा तो क्या हुआ, ही डज द अटैक, वो आक्रमण से बच गया, कौन, मॉस्किटो है ना, ही किसके लिए, मॉस्किटो के लिए, ही डज द अटैक, वो उस आक्रमण से जो आक्रमण मैंने किया, जो प्रहार मैंने किया उस प्रहार से वो बच गया। तो क्या हुआ, विथ एन इंसुलिन टीज, कैसे बच गया, वेरी इजीली, बहुत ही अपमानजनक तरीके से, आसानी के साथ, इंसुलिन टीज है ना, ह्यूमिलिएशन जिसको बोला जाता है, अपमान तरीके से बहुत ही आसानी से वो बच गया, दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिसने मुझे क्या किया, अपमानित किया, जब वो बच गया, मैंने तो उसको तेजी से मारा लेकिन वो बच जाता है आसानी से, तो उसने क्या किया, उस बात ने मुझे क्या किया, दैट इंसल्टेड मी, दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिसने मेरा मजाक उड़ाया है ना, जिसने मुझे अपमानित किया, माय पर्सनल वैनिटी वाज अराउज्ड, इस तरीके से क्या होता है, मेरा जो व्यक्तिगत जो गर्व था, मेरे अंदर जो गर्व की भावना थी, अहंकार की भावना थी, वाज अराउज्ड, वह जाग थी, आई लंच्ड एट हिम, मैं उसकी तरफ गया, कैसे कैसे आगे की तरफ बढ़ना, हाँ तो कहता है आई लंच्ड एट हिम विथ माई हैंड, अपने हाथ से, विथ माई पेपर, अपने पेपर के साथ, हाँ हाथ से मैं उसके आगे की तरफ बढ़ा, आई जंप्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर भी उछला उसको पाने के लिए, उसको मारने के लिए, एंड परसूड हिम, मैंने उसका पीछा किया, कहाँ पे, राउंड द लैम्प, दैट मीन्स व्हेन इट वॉज फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों तरफ जब फड़फड़ा रहा था मस्किटो, तो मैं उसके पास भी गया, पीछे पीछे गया, हाँ परसू मीन्स होता है पीछे पीछे जाना, पीछा करते हुए जाना, हाँ तो कहता है परसूड हिम राउंड द लैम्प, मैं लैम्प के चारों तरफ मैंने उसका पीछा किया, आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फिलिंग कनिंग, कहता है कि आई अडॉप्टेड मीन्स मैंने अपनाया, क्या अपनाया, टैक्टिक्स चालाकी, किसकी, फेलिन कनिंग, बिल्ली जैसी चालाकी है ना, बिल्ली जैसी चालाकी मैंने अपनाई, वेटिंग इंतजार करते हुए, कैसे, टिल ही हैड अलाइटेड, उसके आने तक, कहाँ से, जब लैम्प के पास पड़ा रहा था उसके नीचे आने तक, अप्रोचिंग कैसे, पास जाते हुए, विद हॉरिबल स्टिलनेस, बिल्कुल भयंकर तरीके से, चुपके से जाते हुए, स्ट्राइकिंग विद अ सडन, फिर अचानक मारते हुए, एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, बिल्कुल तेजी से, ये सारी चीज़ें मैंने अपनाई करने के लिए, तेजी से अचानक मैं उसके पास पहुँचा, तेजी से अपने हाथ से मारा, लेकिन क्या होता है, राइटर कहता है इट वॉज ऑल इन वेन, मतलब सब बेकार, वाट आई ट्राइड, वाट अटेम्प्ट आई हैड डन टू किल द मॉस्किटो, जो भी प्रयास मैंने किया उस मॉस्किटो को मारने का, सारे प्रयास क्या हो गए, बेकार हो गए, वेन का मतलब बेकार होना, वेन का प्रयोग किया गया है, पहले भी मैंने बताया इन वेन बेकार, और एक तो वेन इन्ना सुधा है यार, नाड़ी भी जिसको बोलते हैं, इस तरीके से होता है, तो यहाँ पे इन वेन का बेकार हो गया, जो भी प्रयास किया, व्हाट डज द राइटर मीन टू से, द राइटर मीन्स टू से इज दैट व्हाट ही ट्राइड टू किल द मॉस्किटो, ही अडॉप्टेड द एवरी टैक्टिक्स टू किल इट, बट इन हिज एवरी अटेम्प्ट ही फेल्ड, हर प्रयास उसने किया और हर प्रयास में बिल्कुल विफल हो गया, असफल हो गया, तो इस तरीके से कहता है इट वॉज ऑल इन वेन, सब बेकार, जो भी प्रयास मैंने किया सारे प्रयास विफल हो गए, बेकार हो गए, ही प्लेड विथ मी, वह मेरे साथ खेला, जो मॉस्किटो था ही, हुई जी द मॉस्किटो, हाँ तो कहता है ही प्लेड विथ मी, वह मेरे साथ खेला, कैसे, ओपनली, खुले रूप से, एंड ऑस्टेंशियसली, दिखावे के साथ, प्रदर्शन करते हुए, कैसे, लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर, एक बहुत ही विशेषज्ञ कुशल मेटाडोर की तरह, मेटाडोर जो बैल की लड़ाई, बैल से लड़ाई लड़ता है और उसके चारों तरफ घूमता है, हाँ, और अंत में उसको चालाकी तरीके से उसको मार देता है बैल को, तो इसके लिए मेटाडोर का प्रयोग, जो बैल से लड़ता है और अंत में उसको मार देता है, तो कहता है किसकी तरह, लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर, एक कुशल मेटाडोर की तरह, बैल को मारने वाले व्यक्ति की तरह, हार्नेसिंग राउंड, जो चारों तरफ घूमते हुए प्रतीत हो रहा था, किसके तरफ, किसकी ओर, एन इन्फ्यूरेटेड बुल, एक क्रोधित बैल के चारों तरफ,
एक जो मारने वाला था, बैल को मारने वाला व्यक्ति, और जो बैल के चारों तरफ जो बैल के साथ था गुस्से से भरा हुआ था, इनफ्यूरेटेड गुस्से से भरा हुआ जो बैल था उसको मारने के लिए उसके चारों तरफ घूम रहा था। इट वॉज ऑब्वियस, ऑब्वियस तो बिल्कुल ऑपेक, इट वॉज टोटली क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट था। क्या स्पष्ट था? दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, वह खुद आनंद ले रहा था। What does the writer mean to say? The writer means to say is that what was the mosquito doing? It was doing for taking enjoy. जो भी mosquito कर रहा था खुद अपने प्रति आनंद लेने के लिए। हाँ तो कहता है कि it was obvious, यह बिल्कुल स्पष्ट था। That means कि he was enjoying himself, वह खुद आनंद ले रहा था। He wanted a little sport, और इस तरीके से जो mosquito था He wanted a little sport, थोड़ा सा खेलना चाहता था। And what is sport like being chased? लेकिन किस प्रकार का खेल खेला जाए, किसके द्वारा? By this huge, इस विशाल, अपने के लिए कराया कि मैं उसके सामने क्या था? Huge, इस विशाल, lumbering windmill, एक विशाल पवन चक्की की तरह of a creature, प्राणी के रूप में। Who tasted so good, जितना अच्छा तो दिखाई दे रहा था, वह इतना अच्छा तो दिखाई दे रहा था। एंड फिर कहता है सिम्ड सो हेल्पलेस, बिल्कुल लेकिन मैं बिल्कुल असहाय दिखाई दे रहा था। एंड सो स्टूपिड, और बिल्कुल मैं मूर्ख दिखाई दे रहा था। क्यों? बिकॉज आई वॉज अनेबल टू किल द मॉस्किटो, आई वॉज ह्यूज इन साइज, आई वॉज वास्ट इन साइज, बट आई वॉज हेल्पलेस, आई वॉज स्टूपिड, मैं बिल्कुल बेबस था, असहाय था। दैट मीन्स आई वॉज अनेबल टू किल द इवन स्मॉल इंसेक्ट, मेरे सामने एक छोटा सा कीड़ा था, कीट पतंगा था, लेकिन मैं उसको मार नहीं पा रहा था। तो मैं अपने आप को क्या महसूस कर रहा था? आई वॉज फीलिंग माई सेल्फ हेल्पलेस, मैं अपने आप को बेबस असहाय महसूस कर रहा था। एंड सो स्टूपिड, और बिल्कुल मूर्ख मैं लग रहा था। आई बिगन टू इंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, आई बिगन टू इंटर मतलब मैं प्रवेश करने लगा, किसमें? इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, जो फेलो था, जो मॉस्किटो था, उसकी भावना के अंदर, उसकी भावनाओं में मैं प्रवेश करने लगा, उसके मन में मैं प्रवेश करने लगा। स्पिरिट का मतलब क्या सेंस यहाँ पे? मन से अर्थ है, हार्ट से अर्थ है, भावना सेंटिमेंट से अर्थ है, सेंटिमेंटल से अर्थ है। हाँ तो कहता है आई बिगेन टू इंटर, व्हेन आई वाज अनेबल टू किल द मॉस्किटो, तो लेटर क्या होता है बाद में? I began to enter, मैं प्रवेश करने लगा इसमें, into the spirit of the fellow, उस mosquito के मन में, उसकी भावनाओं के अंदर मैं प्रवेश करने लगा। He was no longer a mere insect, अब वह केवल कीड़ा नहीं रह गया था, कीट पतंगा नहीं रह गया था, पहले तो मेरे लिए वही था, लेकिन जब मेरे अंदर उसके लिए भावनाएं उत्पन्न होने लगी तो what did I feel, मैंने क्या महसूस किया? He was no longer a mere insect, अब वो केवल एक छोटा सा, केवल एक पतंगा ही नहीं रह गया था, कीड़ा ही नहीं रह गया था। He was developing into a personality, और विकसित हो रहा था किसमें? Into a personality, एक व्यक्तित्व के रूप में उसका विकास हो रहा था, वह विकसित हो रहा था। An intelligence, और ज्ञान के रूप में। With me, मेरे साथ, on एक सॉरी कहता है कि that challenged, ज्ञान के रूप में विकसित हो रहा था। That challenged, जिसने चुनौती दी, the possession of these compartments, इस डिब्बे में रहने के लिए, with me, मेरे साथ, कैसे? On equal terms, बराबरी के साथ, जिसने मेरे साथ इस डिब्बे में बराबरी के साथ रहने की चुनौती मुझे दी। I felt my heart warming towards him, I felt my heart warming मतलब मैंने सहानुभूति महसूस की किसके प्रति? Towards him, उस मॉस्किटो के प्रति, उस मच्छर के प्रति मैंने अपने अंदर सहानुभूति महसूस की। एंड द सेंस ऑफ सुप्रियॉरिटी फेडिंग, और मेरे अंदर जो भावना थी श्रेष्ठता की, अधिक अच्छा होने की, उस मॉस्किटो के प्रति, मॉस्किटो से अपने को ज़्यादा बेटर मानने की, और वो क्या होने लगी? वो भावना धीरे धीरे फेडिंग होने लगी, फेड मतलब समाप्त होना। पहले तो राइटर अपने आप को सुपीरियर फील करता है, दैट मीन्स ही वाज सुपीरियर टू द मॉस्किटो। जब हम सुपीरियर का कंपैरेटिव एडजेक्टिव है सुपीरियर,
और एक कंपैरिजन प्रकट करता है। लेकिन नियम क्या है, जब हम कंपैरिजन करते हैं दो वस्तु में व्यक्ति के बीच, तो जनरली हम किसका प्रयोग करते हैं, डैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम सुपीरियर का प्रयोग करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, ड्यू का। जैसे हीज सुपीरियर टू यू, वो आपसे श्रेष्ठ है, अच्छा है ना। तो ही बता रहे हैं यहाँ पे, तो कहते हैं एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और मेरे अंदर जो भावना थी श्रेष्ठता की वह धीरे धीरे गायब होने लगी। फिर राइटर कहता है हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं कैसे श्रेष्ठ मानूं, है ना। पहले तो श्रेष्ठ मानता था, तो फिर कहता है कि हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं अपने आप को श्रेष्ठ कैसे महसूस करूं, टू अ क्रीचर, उस प्राणी की अपेक्षा, हु वाज सो मैनिफेस्टली, जो इतने शानदार तरीके से माय मास्टर, मेरा मालिक था, मेरा गुरु था, किसमें, इन द ओनली कंपटीशन, केवल प्रतियोगिता में, केवल प्रतिस्पर्धा में, इन विच जिसमें वी हैड इवर इंगेज्ड, हम दोनों पहले क्या थे, कभी व्यस्त थे। प्रतियोगिता क्या थी, उस मॉस्किटो को मारने की। तो मैं अपने आप को श्रेष्ठ कैसे महसूस करूँ, पहली बात बताया। फिर कहता है कि वो तो मेरे लिए एक मालिक के रूप में था, क्योंकि मैं उसको मार नहीं पाया, मैंने तो हर प्रयास किया, आई ट्राइड माई बेस्ट टू किल दैट मॉस्किटो, बट इन एवरी अटेम्प्ट आई फेल्ड, लेकिन हर प्रयास में मैं विफल हो गया, असफल हो गया। इसीलिए कहता है हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं अपने आप को श्रेष्ठ कैसे मानूं, इन द ओनली कंपटीशन, केवल उस प्रतियोगिता में, इन विच जिसमें वी हैड इवर इंगेज्ड, हम लोग कभी व्यस्त थे, वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन। लेखक कहता है कि उदारता फिर क्यों नहीं, वाई शुड नॉट बी देयर मैग्नानिमिटी, उदार क्यों नहीं बनना चाहिए मुझे, मेरे अंदर उदारता की भावना क्यों नहीं आनी चाहिए। मैग्नानिमिटी से बना है मैग्नानिमिटी, उदारता, जब इसको चेंज कर देंगे तो जाएगा मैग्नानिमस, उदार, ठीक, इस तरीके से। तो कहता है वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, मुझे फिर उदार क्यों नहीं बनना चाहिए। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एटीट्यूड्स ऑफ मैन, द राइटर सेज, जो मैग्नानिमिटी होती है, जो उदारता होती है, एंड मर्सी, जो दया होती है, वर द नोबलेस्ट एटीट्यूड्स ऑफ मैन, मनुष्य के दो सबसे अच्छे गुण होते हैं। दैट मीन्स व्हाट इज द राइटर मीन टू से, द राइटर मीन्स टू सेज दैट अ मैन शुड बी मर्सीफुल एंड अ मैन शुड बी मैग्नानिमस, एक व्यक्ति को दयावान भी होना चाहिए और व्यक्ति को उदार भी होना चाहिए। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन अच्छे गुणों का, जो ऊंचे गुण हैं, अच्छे गुण हैं, श्रेष्ठ जो गुण हैं, इन गुणों को अपना करके आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने सम्मान को फिर पा सकता, रिकवर मतलब पाना, किसको पाना, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का मतलब होता है रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट इसको बोलते हैं। कहता है जो सम्मान मेरा चला गया, उस सम्मान को मैं फिर पा सकता हूँ, कैसे, तो कहता है इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इस अच्छे गुणों का, श्रेष्ठ गुणों का अपना करके, अपने अंदर ला करके, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने सम्मान को पा सकता हूँ। एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में, आई वॉज अ रेडिकुलस फिगर, मैं बिल्कुल एकदम उपहासक व्यक्ति के रूप में हूँ, लोग मेरा उपहास करेंगे, अ थिंग ऑफ लाफ्टर एंड डिराइजन, और एक हंसने वाले एंड डिराइजन, और तिरस्कार करने वाले वस्तु के रूप में हूँ, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लोग मेरा तिरस्कार करेंगे, है ना, ऐसे वस्तु के रूप में हूँ। बाई बींग मर्सीफुल, लेकिन दयावान होकर के, दयावान बन करके, आई कुड री एसर्ट, मैं पुनः पा सकता हूँ द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, मनुष्य की जो नैतिक उदारता है, मैं उसको फिर पा सकता हूँ। एंड गो बैक, और मैं वापस जा सकता हूँ टू माय कॉर्नर, अपनी कोने वाली सीट पर, कैसे जा सकता हूँ, विथ ऑनर, सम्मान के साथ मैं जा सकता हूँ। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, राइटर ने पहले क्या किया था, आई डिसाइड्स टू किल द मॉस्किटो, तो कहा था ना कि आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूँ। लेकिन अब जब उसके अंदर उदारता आ जाती है, व्हेन देयर वाज मैग्नानिमिटी, देयर वाज मर्सी इन हिज हार्ट, तब क्या कहता है,
आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, विड्रॉ मतलब वापस लेना, मैं मौत की सजा को वापस लेता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट की तरफ लौटते हुए, आई कैन नॉट किल यू, फिर कहता है मैं तुमको मार नहीं सकता, बट आई कैन रिवाइव यू, लेकिन मैं तुम्हारा पुनरुद्धार कर सकता हूँ। आई डू इट, मैं ऐसा करता हूँ। ओके, इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, एंड आफ्टर सम टाइम आई विल सेंड यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट लेसन एंड इन योर कॉपी। ओके, थैंक यू।